आज हम चूल्हे पर बनाते हैं वैसे ही रोटी गैस पर बनाएंगे। इसलिए हमने गैस चालू कर दिया है और उस पर एक पैन रखा है। जब तक हमारा पैन गर्म होता है तब तक हम रोटी बनाएंगे। इसलिए हमने यहाँ ज्वार का आटा लिया है। आप जितनी मोटी रोटी बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आटा ले। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इस तरह से आटा गूंदना है। हम जितने ज़्यादा देर तक आटा गूंदेंगे उतनी ही रोटी अच्छी आएगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आटा गूंदते रहे। अगर आपको रोटी सॉफ्ट बनानी है तो आटा थोड़ा सॉफ्ट ही बनाए, इससे रोटी मुलायम आएगी। अगर आपको रोटी एकदम कड़क बनानी है तो आटा मीडियम ही बनाए, ज़्यादा सख्त नहीं और ज़्यादा मुलायम भी नहीं। हमें कम से कम आटे को 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से गूंदना है ताकि हमारी रोटी अच्छी बने। इस तरह से हमने आटा गूंद लिया है। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से गोल बनाकर हमें आटा तैयार करना है। आप चाहे तो सिर्फ बॉल बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा पानी लगाकर हम आटे को दबाते हुए कटोरी जैसा आकार बना लेंगे। अब थोड़ा सा आटा नीचे डालें। आटे को इस तरह से फैला लेना है। अब उस पर हम रोटी बनाएंगे। इस तरह से साइड से दबाते हुए और गोल घुमाते हुए हमें रोटी बनानी है। अगर आप मुलायम रोटी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मोटी रोटी बनाएं, यानी जाड़ी रोटी बनाएं, और कड़क बनाना चाहते हैं तो एकदम पतली बनाएं। इस तरह से हाथ लगाते हुए रोटी को गोल घुमाएं ताकि हमारी रोटी गोल बने। अब हमारी रोटी तैयार है। हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। अब हम रोटी को धीरे से पैन पर डाल देंगे। एकदम धीरे से डालना है क्योंकि रोटी फट सकती है। बड़ी आंच करके फिर पानी लगाएं। इस तरह से पूरी रोटी को पानी लगाना है। जब रोटी इस तरह से सूखी हो जाए तो साइड से निकाल ले और पलट ले। हमें रोटी को ज़्यादा देर सूखा नहीं होने देना है, नहीं तो रोटी अच्छी नहीं बनती। अब हम दूसरे साइड से पलट कर देखेंगे। इस तरह से हमें धीमी गैस पर रोटी को पका लेना है। नीचे की साइड हमें एकदम कड़क बनानी है क्योंकि हम कड़क रोटी बनाने वाले हैं। अब पैन को नीचे उतार ले
हम रोटी को गैस पर सेक लेंगे। हमें रोटी को बड़ी आंच पर सेकना है। रोटी को जल्दी जल्दी घुमाएं, नहीं तो रोटी जल सकती है। इस तरह से घुमाते हुए रोटी को सेक ले, रोटी फूल जाएगी। बीच बीच में रोटी को चेक करते रहे ताकि हमारी रोटी जले ना। अब हम रोटी को पैन पर रख देंगे और पैन को फिर से गैस पर रख देंगे। इस तरह से हमें रोटी को थोड़ी देर तक रखना है। बीच बीच में गैस की आंच धीमी करें और बीच बीच में बढ़ाएं, क्योंकि हमारी रोटी अच्छे से फूल जाएगी और एकदम कड़क बनेगी। इस तरह से रोटी को चेक करते रहे। इस तरह से रोटी को दोनों साइड से पलट पलट के सेक ले। अगर रोटी को मुलायम बनाना है तो ज़्यादा ना पलटे, क्योंकि पलटने से रोटी ज़्यादा कड़क हो जाती है। अब हमारी रोटी तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे। हमारी रोटी एकदम कड़क हो गई है और चारों ओर से अच्छे से पक गई है। इस तरह की रोटियां बनाने के लिए धीमी गैस पर रोटियां बनाएं। अगर तेज गैस पर रोटियां बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप रोटियों को कड़क बनाना चाहते हैं तो इस तरह से फैला कर रखें, और अगर मुलायम बनाना चाहते हैं तो एक के ऊपर एक रखकर ऊपर से कपड़ा ढककर रखें ताकि ये नरम हो जाए।